गाइस वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग ऑफ गोयल वीरेंद्र सिंह व्लॉग्स। और गाइस मैंने आपको इससे पहले के व्लॉग में बताया था कि हम जाने वाले कहीं घूमने ट्रिप पे, और उस जगह पर जाने वाले उस जगह का मैं नाम आपको रिवील कर देता हूँ। और उस जगह का नाम है द्वारका। और अभी हम जा रहे हैं द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए। मैं और मेरे पापा जा रहे हैं बाइक पे द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए। और अभी हम जाते हैं द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए। और अभी कुछ शाम का 6 बज रहे हैं और आज मैं 6 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए थे, मेहमान आए थे, तो इसलिए मैंने शाम को व्लॉग स्टार्ट किया। मैं तो करने ही नहीं वाला था आज, क्योंकि शाम हो गई तो। पर अभी हम जा रहे हैं टिकट बुक कराने के लिए, तो मैंने सोचा कर लेता हूँ मैं। ओके गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे टिकट बुक होती है ना। ओके गाइस, तो अभी हम जाते हैं टिकट बुक कराने के द्वारका की। आपको हमारे व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी हम चलते हैं गाइस द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए धोला। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. ये देख लो, ये हम धोला जंक्शन जा रहे हैं टिकट बुक कराने के लिए। और ये उसका रोड है, और देखो कि कितना मस्त रोड है। देख लो गैस, ओके देख लेना। अभी हम जा रहे हैं धोला जंक्शन। तो देख लो गैस, ये हम धोला जंक्शन जा रहे हैं, और बीच में ये हॉस्पिटल आता है, वो देख लेना गैस। ये बीच रास्ते में आता है, और ये यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस फ्री में है, गवर्नमेंट नहीं है, पर ये फ्री है हॉस्पिटल। ओके गैस, ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस है, सबसे फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ पर कई सारे राज्य से दर्द आते हैं, ओके गैस पेशेंट आते हैं। तो देख लो गैस, ऐसा है हमारा अपने देखा हॉस्पिटल। तो गैस, ये धोला जंक्शन आ चुका है, और ये देख लो अंदर से बड़ा है, बाहर से आपको छोटा लग रहा होगा, पर अंदर से बहुत बड़ा है धोला जंक्शन। गैस अभी हम आ चुके हैं धोला जंक्शन पे, और हम टिकट बुक करवाना है रिजर्वेशन के लिए। और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई दोनों टिकट में बुक करा रहे हैं, और विकेट सब भर रहे हैं फॉर्म में, और मैं इधर व्लॉग शूट करने आ गया हूँ। तो देखो गाइस, ऐसा है हमारा धोला जंक्शन। ओके गाइस, गाइस इधर मैं पीछे की साइड आया हूँ रेलवे स्टेशन की, और आप इधर देख सकते हो कि बैठने के लिए कैसा सब है। जैसे पेड़ों को काट कर ऐसा नकली है, डुप्लीकेट है, पर ऐसा डिज़ाइन ऐसा किया, देख लो गाइस। तो गाइस इधर तो अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली, इसलिए कोई पैसेंजर आपको नहीं दिख रहा, पर पैसेंजर है, पर वो इससे उस तरफ है, लेफ्ट साइड। तो वहाँ पर मैं शोर हो रहा था, इसलिए शूट नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ी आती है। ओके गाइस, अभी हम जाते आगे, आपको मैं दिखाता हूँ रेड लाइट है इस ट्रैक पर, तो रेड लाइट ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी आती है। मालगाड़ी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, दिन में 1-2 आती है। ओके गाइस, इधर से मैं बहुत आगे नहीं जाता, क्योंकि वापस भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइस, यहाँ पर रेड लाइट है, और यहाँ से ये ट्रैक एक साथ जुड़ जाता है। ओके गाइस, यहाँ से तीन ट्रैक है, वो अलग अलग होते हैं एक ट्रैक से, और वो यहाँ से जुड़ जाते हैं आगे से। ओके गाइस, सो गाइस देख लो, ये बोर्ड पे कुछ लिखा है पर मुझे समझ में नहीं आया। और ये देख लो बाहर से हम कैसा लग रहा है धोला जंक्शन। ओके गाइस, ये देख लो बाहर से ऐसा लगता है। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, 8 बज गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने टिकट बुक कर दी है द्वारका की। तो अभी हम जा रहे हैं घर। ओके गाइस, तो हम घर जाते हैं। सो गाइस, ये देख लो, मैंने जब आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया था, वो हॉस्पिटल आ चुका है फिर से, क्योंकि हम वापस घर जा रहे हैं अभी। तो ये हॉस्पिटल के बीच में आता है, और जो नाम है उसको लाइट है, तो देख लो बच सकते तो बच लेना। गुजराती में सो गाइस, ये देख लो,
हमारे यहाँ का सबसे बड़ा हमारे गांव का सब स्टेशन, यहाँ से दो चार गांव और बिजली जाती है और इसको हम बोलते हैं 66 KV, और इस क्योंकि ये इतना पावर रहता है यहाँ का तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। ओके गाइस, तो हम अभी बाइक पे जा रहे, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ और आप देख लो कैसा लग रहा है। और अंधेरा है इसलिए आपको वो दिखाई तो नहीं दे रहा होगा बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से, पर मैंने इसके पहले के व्लॉग में मैंने दिन में भी आपको बताया हुआ है, तो व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो और देख लेना वो व्लॉग। ये हो चुका है दूसरा डे, और कल आपको मैंने बताया था कि कल हम गए थे हमारी द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए, तो वो टिकट हम बुक करा के आ गए हैं। तो मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था कि हम द्वारका जाने वाले, क्योंकि मैंने तो टिकट नहीं बुक करवाई थी और कल मैं जा रहा था टिकट बुक कराने के लिए, तो तब मैंने आपको बता दिया था कि हम द्वारका की टिकट बुक कराने के लिए जा रहे हो गए। और हमें जब मैं जहाँ गया था रेलवे स्टेशन पे, वो रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ टिकट बुक करानी पड़ती है। ओके गाइस, और हमें गया था और आया टिकट बुक, उसमें शाम के 6 बजे गया तो 8 बजे आया रात को मैं टिकट बुक करवा के। और हम मैं मेरे पापा और मेरे बड़े भाई हम गए थे टिकट बुक कराने के लिए, और तारीख डेट है हमारी द्वारका जाने की वो है 1 जून को जाने वाले हैं। ओके, तो 1 जून को हम द्वारका जाएंगे, तो उसके भी अच्छे अच्छे द्वारका के व्लॉग आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।